माँ की पूजा करने जाए क्या रखा दिल सजदे में। दोनों आलम चुपे हुए हैं मीम अलिफ के पर्दे में। माँ मद मीठा माँ मदराही माँ से मक्कन माँ से मलाई माँ मक्का और माँ है मंदिर माँ की शान बता दे साईं साईं दे। दोस्तों माँ की पूजा करने प्यारे बच्चों बिल्कुल शांत। माँ की पूजा करने प्यारे क्या रखा है सजदे में। सजदा मतलब ये उर्दू के शब्द है, सजदा मतलब झुकनो, आपको कह झुकना और उर्दू में बोलते इनको सजदा के। भाई जब तक माँ बाप जिंदा है उन आदमी ने कटी दूरी चोल झुकने की जरूरत नहीं है। माँ की पूजा करने प्यारे क्या रखा है सजदे में। दोनों आलम माँ और बाप नरेंद्र सरक धरती आकाश दोनों आलम छुपे हुए हैं नीम अलिफ के पर्दे में। नीम नाम ममता का है, अलिफ नाम छोटे दी छोटी चीज ने अलिफ बोले। पहला एक धारावे का अलिफ लेला, अलिफ नाम छोटी चीज का, ये उर्दू की भाषा। माँ मद मीठा माँ मदराही, माँ मद जैसा कोई मद मीठा नहीं है। माँ मदराही माँ से मक्कन माँ से मलाई, ऐसा कोई मक्कन मलाई नहीं है जो माँ मद मीठ होए। माँ मक्का और माँ ही मंदिर तो माँ की शान बता दे भाई। तो ये कहानी उस माँ की है। ये माँ बेटी के लिए क्या करती है और बेटा माँ के लिए क्या करता है देखिए दोस्तों कलयुग के पुत्र कैसे होते हैं। माँ को देखो तो बेटे को कितना लाड लड़ाती है। नौ मास गर्भ में रखती है वो अपना दूध पिलाती है, खुद सोती है गीले में सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदा ही धोती है बलिदान उन पे जाती है। ऐसी माँ को जो नर त्यागे वो पुत्र नरक का जामी है, पुत्र नहीं कपकपर है केला का दूध हरामी है। माँ को देखो तो माँ शब्द कैसा शब्द है, आप नाम ले देखो माँ खाली मुंह भरी जावे माँ, वो माँ। माँ को देखो तो बेटे को कितना लाड लड़ाती है, नौ मास गर्भ में रखती है, नौ महीना बारियों मरे तुम्हारे मिटू मारी सेवा करी, नौ मास गर्भ में रखती है वो अपना दूध पिलाती है, खुद सोती है गीले में सूखे में उसे सुलाती है, मारी गिगलियों ठंड ला दी गिगलियो मोटो में जना गंगाराम उठो ले मारे हमी खड़ो बोले बुढ़िया इधर आ। ऐसी माँ को जो लोग त्यागे वो पुत्र नरक का जामी है, अरे पुत्र नहीं कपुत्र है कहलाता दूध हरामी है। वो फिर शंकर बाज रहा है आखिर जमीन पे जो इंसान अपनी माँ का ना हुआ वो यहाँ का न हुआ और वो वहां का न हुआ। तो दोस्तों एक बूढ़ी और विधवा बहुत गरीबी में एक लड़कों उन्हें लोगों ने घरे फूस पोछा बर्तन भांडा साफ कर और उन्हें बड़ो करियो मारो मीठो मोटो हमारी सेवा की। वो लड़कों का ही करे शहर के बारे जंगल में लकड़ियां लावे और शहर में बेचे और आपकी औदर को ना चलावे गरीब। उन्हीं जंगल में एक लड़की भी लकड़ियां लेने वास्ते आ गया। लड़की गरीब जरूर थी लेकिन समझदार थी। एक दिन वो लड़कों जा और उन लड़की ने कहने लागो कि तू ही गरीब है और मैं ही गरीब हूँ, बुरी बात में तुम्हारे साथ शादी की। तो लड़की बड़े दिमाग वाली थी, गरीब जरूर थी लेकिन वो समझदार थी। वो लड़की क्या कहती है और लड़का क्या अरदास करता देखिए दोस्तों। और माँ की ममता कहते किसे किने के में मारी ममता ज्ञान राख दो आप।
ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। आज एक विधवा थी, मुकद्दर से गरीब और मोहताज, आवाज नहीं, गहे तकदीर से, गहे तकदीर से बेटा था उनका दीवाना, एक हसीना पे दिलो जान देता दीवाना। एक दिन वो लड़को जा और लड़की ने कहीं कमने लगा, हमारे तरफ ध्यान दे। बोला लड़का एक रोज बन के फरियादी, अरे बुरान मान दिलो जान बचा ले शादी, बुरी बात नहीं तुम्हारे साथ शादी कर। लड़की बोली वैसे शादी नहीं करती। बोली लड़की, बोली लड़की अभी तुम गम ना भर मोहब्बत का, अभी ये राज खुल जाएगा हर हकीकत का, पहले तेरी परीक्षा लो। चमकते कहने लगा, लड़का कहता है चमकते कहने लगा, दिल से दिल मिला देखो, भरोसा मुझ पे नहीं है तो आजमा देखो, आजमाइश कर ले मारी, भागे दुनिया से हसरत की बहारे ला दूं, जरूर जमीन तो क्या चांद सितारे ला दूं। जरूर नाम दौलत का है, जरूर जमीन तो क्या चांद सितारे ला दूं। लड़की बोली चांद तारा नहीं लाना, तो कहीं ला लूं। लड़की दे क्यों कोई ऐसी चीज मंगावा, क्योंकि नहीं तो ये ला सकता और अपना पीछा छूट जाए। तो वो लड़की क्या मांगती है मेरे दोस्तों देखिए, और लड़का कैसे हाँ भरता है। बोली लड़की तुझे समझूंगी प्यार के काबिल, चीर के सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल। अगर तू मुझसे शादी करना चाहता है तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर। क्या? बोली लड़की तुझे समझूंगी प्यार के काबिल, चीर के सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल, थारी मार और काल जो लेना मैं तो मैं थारे साथ ब्याह करूं। तो भला घरों टाबरों हफूत माई को ना टाबर कह डाले। बोले यस अभी नहीं क्या था, हाथ पर लोग खंजर ले लियो और गर्मी तरफ निकल कर देखिए। तो माँ, माँ एक ऐसी चीज होती है मेरे दोस्तों, माँ की ममता की गहराई में कभी जाके देखिए आप। माँ खुद मिट जाती है लेकिन ममता को मिटने नहीं देती, ऐसे माँ है।
मैं माँ क्या कहती बेटे को देख के, अरे बेटा तू तीन चार दिनों में आयु भूखो कट गयो। पहुंचते घर ही माँ प्यार से पुकार उठी, देर का कर दी मेरे लालिया खा ले रोटी, देर का कर दी मेरे लालिया खा ले रोटी। घर ही माँ प्यार से पुकार उठी, देर का कर दी मेरे लालिया खा ले रोटी। वहां लग रही था दिल में बसु का काटा, दिल में मात लगा मात लहु का चाचा, दिल में मात लगा मात लहु का चाचा। हाथ में बैठे थे खंजर की जो चमकाई, ऑपरे सिर पड़ी माँ और घबराई, ऑपरे सिर पड़ी माँ और घबराई। लड़का घर गया, वो माँ के तेरे मेरे लाल तू भूखा है, चार पांच दिन हो गया बेटा तू रियो कटे। पहुंचते घर ही माँ प्यार से पुकार उठी, अरे देर का कर दी मेरे लाल खा ले रोटी। बात नहीं मेरे दोस्तों, तू बेटा भूखो रोटी खा ले। लेकिन महालबरेज था दिल में बसी का कांटा, चीरने माँ को लगा माँ के लहू का प्यासा। लहू यानी खून, देखिए खून खून को कैसे काटता है। एक बेटा है वान बन सकता है, हाथ में बेटे के खंजर की जो चमक आई, वह डोकरी बेटे ने हाथ में चक्कू देखियो कि दिल ही दिल पर गिरी बेटा तेरी माँ। हाथ में बेटे के खंजर की जो चमक आई, खौफ से गिर पड़ी माँ और लहू घबराई। खौफ ना डर 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 से वो बुढ़िया नीचे गिर गिरे लाल मैं तेरी माँ हूँ। बोले बुढ़िया कोई किसी की माँ नहीं, अपनी प्रसादी बनाने का मांगता है। हाथी को खंजरों माँ ने काल जल भौप दी, माँ की खून सी धारा सी बहने लगी। मारी आत्मा में एक अर्राट की आवाज आई, अरे मेरे लाल तूने ये क्या कर दिया। अरे मेरे लाल वो दुष्ट से थी कि कोई पड़ोसी मारी मारी आवाज नहीं सुन ले, मारे मुझे रे मैं पगलो जूतो दबा दी। मेरे दोस्तों ममता की आहट नहीं छुपती है, क्या कहती है मारी चीत मारी तो कयामत का मुंह उभार गया, हाथ भर का जो छुरा माता की कृपा गया, हाथ भर का जो छुरा माता की कृपा गया। We'll be right back.
तड़पते हुए माँ के दिल ने कहा, लेते हुए अंगड़ाए आरे माँ, लेके दिल चल दिया साधन करने के लिए, अपनी रूठी हुई मलिका को मनाने के लिए, अपनी रूठी हुई मलिका को मनाने के लिए, दौड़ते दौड़ते जाली ने जो ठोकर खाई, हाथ से गिर पड़ा दी और जमीन थर्राई, हाथ से गिर पड़ा दी और जमीन थर्राई, हाथ से गिर पड़ा दी और जमीन थर्राई। आत्मा से कर्राट की आवाज आती है, अरे मेरे लाल मैं तेरी माँ हूँ, आते तो खंजर गाल दियो और काल जो काटियो, चीख मारी तो कयामत का मुंह उबार गया, हाथ पर का जो छुरा माँ की जिगर पार गया, लेके दिल चल दिया काल जो काट दौड़ी, उन लड़की ने बताओ ने बात की कैसा लड़की दौड़ी, रस्ते में पत्थर पड़ी हो जिन्हें ठोकर लगी और लड़को नीचे पड़ी और काल जो हाथ छूट धरती माते पड़ गयो तो आज धरती दूजन डूब गई। बोले रे भगवान तेरी दुनिया में कितने शैतान पैदा कर दिए, ये राक्षस नहीं तो क्या है, एक बेटा अपनी माँ के साथ वो सलूक करके जा रहा है, उसके साथ कुछ नहीं है, लेके दिल चल दिया वो शादी रचाने के लिए, अपनी रूठी हुई मलिका को मनाने के लिए, लड़की को दिखाने के लिए, दौड़ते दौड़ते जाली ने जो ठोकर खाई, हाथ से गिर पड़ा दिल और जमीन थर्राई, ये धरती कांपने लगी। लेकिन जल्दबाजी में लपकाता दिल उठाने को एक करिश्मा नजर आया वहां परवाने को, करिश्मा किसे कहते हैं, चमत्कार, आपको कहते हैं चमत्कार और उर्दू शब्द है करिश्मा, वो चमत्कार का ही बेटे ने मुंह में खून आवे, खून या मुंह खून बहरियो, गोडा मुंह खून बहरियो, खून देखो और काल जो पड़ियो पड़ियो बेटे रे वास्ते कहीं के वे उन्हें के वे माँ की ममता, वो कले के से क्या आवाज आती दोस्तों देखिए, तड़पते हुए माँ के दिल का तड़पते हुए माँ के दिल ने कहा, लेते हुए अंगड़ाई ये मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं
डाला, कौन था जो माँ सदा सुनने वाला। रात के वक्त में हर आंख से वो बचपन निकला, पूरी ही देर में लड़की की गर्भ जा पहुंचा। देखिए इस कहानी का एंड होता है, लेकिन माँ उसने कलेजा निकाला, नीचे गिरा, रातों से खून पड़ते हुए देख, मुंडे में खून पड़ते देख और कार भी कर तड़पते हुए माँ के दिल ने कहा, लेते हुए अंगड़ाई, ये मेरे लाल तुझे चोर तो नहीं आई। उन्हें कार भी रंग आवाज आई, ये बेटा थारे कति लागी तो नहीं। तो वो मूर्ख ध्यान नहीं दियो क्यों, इश्क ने मेरा अंधा भी उसे कर डाला। कौन था वहां जो माँ की सदा सुनने वाला। दोस्तों इश्क की कैसी बीमारी है जिसके सामने नहीं तो माँ है, नहीं बाप है, नहीं परिवार है, नहीं घरबार है, नहीं रिश्तेदार है। इश्क से आदमी को अंधा बना देता है। इश्क में अंधा मेरा भी उसे कर डाला। कौन था वहां जो माँ की सदा सुनने वाला। रात के वक्त में हर आंख से वो बच निकला, थोड़ी ही देर में लड़की के घर वो जा पहुंचा। अपनी माँ का कलेजा लेके उस लड़की के घर गया। अब देखो दोस्तों वो अपनी माँ और काल जो लड़की ने पदर में रखी और कितनी घिनौनी हरकत है, ये कैसा कलयुग है। और हंस के बोला, रख के दिल कदमों में लड़का जब वो मुस्कुराया, अरे जो मांगा था वो मेरी जान वो मैं ले आया। तो लड़की कहती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरी बात। लड़की क्या कहती है, बोली लड़की तू सा आशी कुर्बान नहीं, तू शैतान है लेकिन रे इंसान नहीं। लड़की कहती रे मूर्ख, बोली लड़की तुझसा आशिक कुर्बान नहीं, तू शैतान है लेकिन इंसान नहीं, तू इंसान की औलाद नहीं है, तू तो राक्षस है। मेरी बात सुन। लड़की समझदार थी, क्या कहती, अरे मूर्ख तूने सोचा नहीं कि इनका असर क्या होगा। रे बेवड़ा बेवड़ा रे, रे मूर्ख तूने सोचा नहीं कि इनका असर क्या होगा। तू अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। माता का ना हुआ मेरा क्या होगा। सोचा नहीं कि इनका असर क्या।
लड़की कहती है रे दोस्त तू इंसान है। बोली लड़की रे मूर्ख तूने सोचा नहीं कि इनका असर क्या होगा। आज तुम्हारे कहने में थारी मारो काल में लेन आई गई। काले कोई पराई और तेरे कहने में तू मारो भी काल जो काट सके। इन वास्ते शादी कैंसिल कैंसिल जो नाम लेकर के रोवे माँ थनी मार देना ही जाग लेके। ये तो पुलिस आई बात ही बात में बातों की बतंगड़ जो बड़ी थोड़ी ही देर में ले आई पुलिस हड़कड़ी। सुन लिया किसी ने अपनी माँ का कत्ल किया है क्यों आवाज तो चली जाती है। तो मेरे दोस्तों उधर पुलिस उस लड़के को ले जा रही है। उधर लड़की ताना देती क्या कह रही है किया अजी जरा सुनियो ओ इधर आइयो आइयो ना पिया शादी नहीं करोगी। तुझ बिन सावन है से पीता पूछो मेरे में ले गए। वकील ने अपनी सभाई में कह दिया यूर ऑनर इसने अपनी माँ का कत्ल किया इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। मजिस्ट्रेट सजा सुनाता है मेरे दोस्तों ताजी रात हिंद दफा 302 सजाए मौत दी जाती है। जब मजिस्ट्रेट मौत की सजा सुनाता है तो वही माँ का कलेजा अदालत में बेटे के लिए क्या गवाही पेश करता है उसे कहते हैं मां की ममता। मत जलते हुए मां के दिल ने कहा इनमें इसका कोई दोष नहीं ये तो नादान है बच्चा अभी तक हो सके। अदालत में बेटे रे वास्ते कहीं दवाई देवे उन्हें के बीमारी माता बहनों माँ की ममता माँ इतनी ऊंची चीज वे देखो। मचल के माँ के दिल ने कहा इनमें इसका कोई दोष नहीं। कलेजा कहता है मजिस्ट्रेट के सामने मेरे बेटों को काहे के लिए पकड़ा इसने मेरा खून नहीं किया बल्कि मैंने मेरे कलेजा अपने हाथों से निकाल के मेरे बेटे को दिया। जब माँ का कलेजा ये गवाही दे रहा है उसे कौन मारता मेरे दोस्तों। मचलते हुए माँ के दिल ने कहा इनमें इसका कोई दोष नहीं ये तो नादान है बच्चा अभी तक होश नहीं। छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को फिर से कहा देखूंगी मैं चांद सा इस मुखड़े को।
उस लड़की के दिल में इतनी घिन पैदा हो गई कि उसको पुलिस ने छोड़ दी, मर गया। अंदर घुटके, तेरे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया माँ, वो माँ जो मेरे लिए लोगों के घर खुश पोछा बर्तन बाड़ा साफ करके मुझे बड़ा किया और उसका आज खून करके आया हूँ। देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों, ये तो सुन करके पुलिस ने उनको छोड़ दिया, पर फिर जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया। जमीन पे जो ईशा अपनी माँ का ना हुआ, वो यहाँ का ना हुआ और वहाँ का ना हुआ, यहाँ का ना हुआ और वहाँ का ना हुआ। दोस्तों बेटे के माँ के उस कलेजे का अल्फाज सुनते ही, आवाज सुनते ही, ये तो सुनकर के पुलिस ने उनको छोड़ दिया, अरे पड़ते जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे युवा भाइयों, जितनी हो सके उतनी माता पिता की सेवा करना ही धर्म नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा धर्म है माँ बाप की सेवा करना। चारों धाम सब फल एक करोड़ गाय दान में देवो, चाहे माँ बाप की सेवा करो। तेरी माँ के कीड़े पड़ रहे, तू विष्णु देवी जा रहा है, पहले तेरी माँ को संभाल। चार माँ बताई, दुर्गा के तो नौ रूप है, चार माँ है जो अपने आज जरूरी है। एक तो वो माँ जिसने हमें जन्म दिया, ये संसार दिखा, एक वो माँ ये धरती जो हमें अनाज देती है भरण पोषण के लिए, एक वो माँ जिसे हम गाय कहते हैं गौ माता, जो हम बलशाली बनाती है दूध दही मक्खन से, एक वो माँ जो आखिरी हमारा मुक्ति करती है गंगा मैया। ये चार माँ को याद रखना मेरे दोस्तों, चार बातें जरूरी दिल में। माँ बेटे की अमरीक गाने, कोई न माँ की कदर भी जाने, वो नरक से का बोले माँ मैं नहीं खायो माखन, ए गुजरिया है नी, ए माखन बहानो कर मने देखने वास्ते आई है। जब गोपियों के संग भगवान रास रचाते, उस समय उम्र कितनी थी, 9 साल की, कितने थे 9 साल की थे। 10वें साल में तो मथुरा और कंस का वध कर दिया था भगवान कृष्ण ने। बोली कृष्ण बलदेव की जी न तुम्हारी ओ घम गई सा बिरज रावासी, अरे मन मारो कोई
दासी